नहीं, बाजी कोई लंबा नहीं है, क्योंकि अपा नु एक जेन्युइन जड़ा हुंदा ना पिक्चर, वो क्लियर करनी चाहिए बस। क्योंकि देखो एक गल दा मैनूं जवाब दियो, जेड़े पेज फटियां दी न्यूज आई है कल पंजाब केसरी च, है ना, वो तुसी देखो भी जेड़ा रजिस्टर हुंदा है मिनट्स दा, वो जॉइंट सेक्रेटरी मेंटेन कर। तुसी मैनूं गल दसो कि मनिंदर दी मान इन्नी बेवकूफ आ कि उस रुचि नु नीचे गिरान लई या क्लब नु नीचे गिरान लई वो अपने अगेंस्ट जेड़े चीज हैगी वो दे देगी मीडिया नु? डू यू थिंक सो? जी नहीं, रजिस्टर असी लोग सब कुछ मिसिज बेरी नु हैंड ओवर करिया, कुछ नहीं सी उन्हों को, और ये निशाना मनिंदर दी मान ते लगाया है कि रजिस्टर ओदे कोल सी, ओने दित्ता मीडिया नु, टारगेट ओनू कीता जा रहा है, जबकि वो क्यों अपने खिलाफ कोई सबूत यूज करेगी? तो तुहानू लगदा सोचो ना, अगर मेरे कोल कोई चीज होवे जेड़ा कि मैं टारगेट हुंदी होवां, मैं मीडिया नु क्यों दूंगी? जो मर्जी हो जाए सर, वो नहीं फर्क पैंदा हैगा, बट वो कहंदे ना सच्चाई सामने आनी चाहीदी है। हुण आ चीज जेड़ी आ कि रजिस्टर फटे हुए पेज आए आ मीडिया दे सामने, किसी तो महानुभाव ने फोटो खिंची है ना, उथों ते मीडिया तक पहुंचे नहीं, गल तो उही आ जांदी है ना। देखो तीन बंदियां दे कोल रजिस्टर हुंदा है, दो कोल मतलब मेनली हुंदा, सुरुचि कक्कड़ एंड मनिंदर दीवान, मिनट्स उही लिखदे आ। ते हुण मनिंदर दीवान कोले नहीं आ, सुरुचि कक्कड़ कोल अगर ये नहीं आ, ठीक है, हैंड ओवर सारा समान मिसिज बेरी नूं कीता गया है। नहीं, तो मिसिज बेरी दे घर सुरुचि कक्कड़ दा दिन रात दा आना जाना है, सिर्फ मोह दी फेवर कर रहे है सारे, तो फोटो खिंच लेगी या कुछ कर लेगी तो रोकनगे थोड़ी थी, हाँ भी सुरुचि दी फोटो ना खिंचो, कह देगी जी मैं किसी और चीज की कर रही हूँ, मैं रिकॉर्ड रखना है या जो भी है। ए मनिंदर दे मान नूं निशाने ते लिया गया पर वो फ्लॉप हो गया ना, तुसी देख लो, मतलब तुसी आप सोचो सियाने हो, चलो मेरी गल नूं ना, सर मनिंदर दी मान को हुंदा ते मनिंदर दी मान दा दिमाग इन्ना खराब है क्या कि वो मीडिया नूं चुप्पड़, ओही है ना बंदा ओवर स्मार्ट बंदा, बंदा किते ना किते गलतियां करी जांदा बेवकूफ, ओही तू आराम ना बैठ, मैडम ना मिल, मैडम ना गल कर, मसले नूं सुलझाण दी कोशिश कर, उल्टा तू उलझाई जा रही है, इन्ना तू मीडिया च जा रही है उन्ना मैडम इरिटेट हो रहे। गल सुनो मेरी, मेन क्लब है सर, मेन क्लब दे विच भी बहुत कुछ हुंदा है, इलेक्शंस आंदे आ, कमेटियां डिसॉल्व कीतियां जांदियां आ, उस तो बाद एड हॉक कमेटी बनाई जांदी है, वो क्लब नूं चलांदी है, ठीक है ना, तत्ती भी नहीं क्लब बंद हुए, तुसी सुनिया कदी क्लब बंद हुए हुण? ये कड़ा नाले कोई खून खराबे हुए हुए आ, कुछ होया होया आ, तुसी बैठ के इहनूं सॉर्ट आउट करो। लेकिन आ तां उत्तो तो पैंतरे चलन वाली गल है ना, हुण नवां धमाका करता पेज दियां फोटो खिंच के, दसो बचकानी हरकत है एक्चुअली। आ हुण इहदे बारे तुहानूं मेन क्लब चो आईयां ही होणगियां खबरां, माहौल गंदा हो गया सर क्लब दा, होर कुछ भी नहीं होया, असीं भी इन्ने सालां दे क्लब दे मैंबर आ, मैं तो कह चुकी मैम, मैं कह मैम तुसी मंडे नूं क्लब च असीं मैसेज पाने आ, सारे मैंबर इकट्ठे होवो, क्लब जी एजीएम करा, हाउस जी सुरुचि कक्कड़ चाहीदी है कि नहीं चाहिए, पर वेड़ो इहदा ही ते सर, असीं उहनां नूं मैसेज मैम नूं दित्ता है, थोड़ी मैम दी इक्को ही गल आ, इक्को ही उहनां दी हैगी है, रिक्वेस्ट कह लो ऑर्डर कह लो जो मर्जी, उह कहिंदे जब तक तुसीं इह हटदियां नहीं है ना जान तों मीडिया च उछालण तों सानूं, तद तक असीं कुछ नहीं कर। गल सुनो मेरी भाजी, मेरी गल सुनो, आ पेज फटियां दियां फोटो देण दी जरूरत हैगी सी, मामलिआं नूं हाईलाइट करन दी कोई लोड़ हैगी सी? दसो मैनूं। चलो मिसेज मायर दा मुद्दा डिफरेंट आ क्योंकि वो कोर्ट च चल रहा है, डिफरेंट मुद्दा है, लेकिन आ जड़ियां चीजां सीगियां आई डोंट थिंक कि ये मीडिया च जान दी इन्हां नूं कोई जरूरत सी, और अगर तुसी हाईलाइट होण लई और अपना सिर्फ कहिंदे ना नीट एंड क्लीन पक्ष रखण लई तुसी जा रहे हो और तुसी गलत मैसेज दे रहे हो, तो फिर तुसी डिगोगे ही थले, जिन्ना मर्जी तुसी शातर हो। ठीक है तुहाडी, मैं तुहानूं करना सी फोन की बहुत अच्छी है कि एटलीस्ट मैम दे फेवर दे भी आपां कीती है, मैम नूं बुरी नहीं लगनी, ठीक है ना, मैं ग्रुपां च फॉरवर्ड कर दित्ती है क्योंकि ग्रुप च मैम भी बैठे हुए है, ये टाइम लैण दी कोशिश कर रहे हैं, हले मैम को मिल नहीं रहा टाइम ना क्योंकि वो भी थोड़ा बिजी है गए है। कौन? गगन कुंद्रा। इनकम टैक्स चाहिए आरएस है गगन कुंद्रा, इनकम टैक्स दी है सुड़ियां पै रही है, नॉर्मल हाउसवाइफ नु तो इनिया चीजा, तो फिर तुसी तुहानू पता नहीं है गगन कुंद्रा दा? नहीं थोड़ी मैम दा पता नहीं तुहानू कि इनकम टैक्स है मैम? मैम ने उस दिन कही सी एक गल, जितने साडी मीटिंग हुई सी उस दिन कोई मैम नु हिसाब ये समझा रही सी, उन्हां नु नहीं पता लगा, ते बाद च मैम कहंदे कि मेरे को ये सब करने की जरूरत नहीं, मेरे फिक्रे मत समझाओ, मैं सारा दिन नहीं फिक्रो, मैं 2 मिनट च इन्हां नु बैठा दिता सी, कहते मेरे को ये डिटेल आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप अपनी लिखी चीजें नहीं पढ़ पा रहे हो, मैं सारा दिन इन फिक्रों में रहती हूँ।